हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का टॉपिक्स प्लेट गर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले प्लेट गर्डर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्लेट गर्डर क्या होता है? प्लेट गर्डर इज नथिंग, कुछ नहीं है। ये हमारा जो हम स्टील्स में बीम्स वगैरह में हम क्या यूज़ करते हैं, आरसीसी में जो हम यूज़ करते हैं बीम यूज़ करते हैं। जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में हम कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? आई सेक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। आई सेक्शंस यूज करने का रीज़न क्या है? आई सेक्शन इसलिए हम आई सेक्शंस हमारा कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है। तो इसका जो होता है मोमेंट ऑफ एनर्जी आई एक्स एक्स बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? जब हम यहाँ से मोमेंट लेंगे इसके रेस्पेक्ट में, मोमेंट अबाउट, जब हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा इसका क्या होगा? एफ इंटू जेड। एफ क्या होगा यहाँ पे? एफ जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है? 165 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जेड क्या होता है? जेड जो होता है हमारा, जेड होता है, जेड को बोलते हैं सेक्शंस मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस का मतलब सेक्शंस हमने किस तरह का एज्यूम किया, स्क्वायर सेक्शंस है, आई सेक्शंस है, या डायमंड सेक्शन है, या बहुत तरह के सेक्शंस हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शंस है। तो जेड का सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? आई बाई वाई। जेड जितना ज़्यादा होगा, अब यहाँ से हमें पता है जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना है तो जितनी आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जितनी डिस्टेंस यहाँ से हम जेड इजकल टू आई बाई वाई, ठीक है। आई क्या है? ये आई एक्स एक्स है, ठीक है। इसके अबाउट जो है एक्स एक्स, जेड इजकल टू आई बाई वाई, ठीक है। तो अगर आई इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जिसका मतलब बीम जो है हमारी मोमेंट बहुत ज़्यादा क्या करेगी, डिपेंड उसका जो कितना मोमेंट्स जो है बीम जो है हमारी, या आई सेक्शन जो है हमारा, कितना कितना मोमेंट्स को झेल सकता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बीम या जो हमारा आई सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लोड को क्या करेगा, झेल सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आई सेक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई सेक्शंस हमने यहाँ पे यूज किया है, जैसे ये हमारा आई सेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एंगल्स कुछ ऐसे प्रोवाइड किया है, इधर भी हमने ऐसे एंगल प्रोवाइड किए हैं, एंगल सेक्शन इधर बनाया है एल शेप में, इधर भी हमने क्या किया है, एंगल बना दिया है, ठीक है। ये हमारा यही दिख रहा है, ये हमने जो बनाया फ्लैंज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैंज एंगल्स, ठीक है। ये हमारा फ्लैंज एंगल है, ठीक है। तो अब ऊपर भी प्रोवाइड किया हम, नीचे भी, और साइड दोनों तरफ हम प्रोवाइड करेंगे साइड प्लेट्स, इधर की तरफ हम साइड प्लेट लगाए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। जैसे ये हमारा क्या है, इसको हम तो जानते हैं वेब है, वेब बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टॉप फ्लैंज, और इसको हम बोलते हैं बॉटम फ्लैंज, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया हमारे पास कैसा है, वेब का है। अगर हमें प्लेट गर्डर हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमको जितना लेंथ, बहुत लंबी लेंथ चाहिए हमें आई सेक्शंस की, या वेब की लेंथ हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। बना बनाया आई सेक्शंस हमें वहाँ पे नहीं मिल सकता, इसलिए हम वहाँ पे आई सेक्शंस को क्या करते हैं, आई सेक्शंस हम क्या करते हैं, बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो इसमें तीनों प्लेटों को अलग अलग हम जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास फ्लैंज वाला प्लेट हो गया, ये फ्लैंज वाला प्लेट हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, वेब को तीनों मेंबर्स अलग अलग होंगे,
इनको जितनी भी लेंथ में हमें चाहिए उसके अपने हिसाब से, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये इसके फ़ायदे होते हैं प्लेट गर्डर के। और प्लेट गर्डर हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्लेट गर्डर हम यूज करते हैं ब्रेजेस, ब्रिजेज वगैरह में यूज करते हैं, या रेलवेज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? जहाँ पर हैवी हैवी लोडिंग आती है, रेलवे ब्रिज हो गया, रोडवे ब्रिज हो गया, या मेट्रोस वगैरह में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैवी लोडिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को दो बातें पता चली। अब हम देख क्यों यूज करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए बनाया हुआ शॉप में बनाया गया आई सेक्शन से, ये मेंबर्स अलग है, ये मेंबर्स अलग है, ये मेंबर्स अलग है। इस मेंबर्स में हमने देखो यहाँ पे दिख रहा है आप, हमने क्या किया, होल कर रखा है। होल किस लिए, क्यों कर रखा है? इसको बोल्टिंग या रिवेटिंग करने के लिए ऊपर भी किया हुआ है। इन दोनों मेंबर को हमने कैसे चिपकाया है? बाय यूजिंग वेल्डिंग के द्वारा। यहाँ पे हमने फ्लिट वेल्ड किया है, ठीक है। तो अब हम एक फिगर और हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा कोई आई सेक्शन है। आई सेक्शन में हमने ये जो प्रोवाइड किया है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, या आप बोल सकते हैं हॉरिजेंटल स्टिफनर, ठीक है। हॉरिजेंटल स्टिफनर भी हम इसको हॉरिजेंटल स्टिफनर भी बोलते हैं। और ये ट्रांसवर्स स्टिफनर को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्टिफनर, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर। हॉरिजेंटल स्टिफनर, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर का क्या काम है? ये जो होता है हमारे वेब को किससे बना बचाता है? बेंडिंग ना हो, वेब जो हमारा बेंड ना कर जाए, ठीक है। और जो ये वर्टिकल स्टिफनर जो होता है, ये बकलिंग्स बकलिंग्स बकलिंग हम ये क्या करता है, हमारा जो ये वाला वेब वाला पार्ट है, वेब को किससे बचाता है? ये बकलिंग ना कर जाए, ठीक है, फेल ना हो जाए बकलिंग्स में, ठीक है, बकलिंग या क्रश ना कर जाए, ये सब में इसको इसको क्या करता है? सुरक्षा सुरक्षा प्रोवाइड करता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स, या इसको बोल सकते हैं हॉरिजेंटल स्टिफनर, ये इसका ये जो फंक्शन होता है क्या करता है? इंक्रीज इंक्रीज बकलिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग के द्वारा, ठीक है, इंक्रीज बकलिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग के द्वारा। क्यों हमारा ये वो जो है वेब को किस लिए बचाता है? ये वेब हमारा बेंड ना कर जाए, अगेंस्ट किस चीज़ में? बेंडिंग के केस में, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स जो होता है, वर्टिकल स्टिफनर्स जो होते हैं, वर्टिकल स्टिफनर जो होते हैं वो किस लिए बनाते हैं? वो इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमारा वेब जो है वो शीयर में बकल ना कर जाए, ठीक है। जब इस पे लोड आएगा, यहाँ पे हमने लोड बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसके बकलिंग के क्या होंगे? चांसेस रहेंगे। तो इसकी वजह से हम इसको फेल होने से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है इसकी लेंथ क्या होती है, वेब वाले पोर्शंस की लेंथ जो होती है क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से क्या होगा? लेंथ ज़्यादा होगी, जब बहुत ज़्यादा लोड आएगा तो इसको क्या होगा? इसको बकलिंग होने का चांसेस रहेगा, बेंडिंग होने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड्स करते हैं एंगल्स, प्रोवाइड करते हैं स्टील्स के सेक्शंस हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने वेब को प्रिवेंट करने के लिए, एक तो बेंडिंग में और जो है हमारा बेंडिंग में हो गया, पहला क्या है, बेंडिंग में फेल ना हो बेंडिंग, दूसरा जो है हमारा बकलिंग बकल ना कर जाए, ठीक है, बकलिंग ना हो जाए, इसमें इन दोनों में हम इसको करते हैं। तो आप लोगों को मेन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा क्या है, प्लेट गर्डर है, छोड़िए इसको, ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, प्लेट गर्डर है। हम प्लेट गर्डर को हमने जो है किससे कनेक्ट किया? दो बीम से कनेक्ट किया है, बाई यूज दो प्लेट्स, ये बीम है, बीम का स्टील बीम है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, प्लेट गर्डर है, ये प्लेट गर्डर है, इसमें हमने क्या है, बीम्स यूज किए हैं। बीम्स यूज करने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर RCC का बना बनाया सेक्शन हमने इसके ऊपर रख दिया, जैसे मेट्रोज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्लेट गर्डर द शीयर फोर्स इन द गर्डर सेक्शन इज टेकन बाय, शीयर फोर्स जो है
कौन सा सेक्शन टेक इन किया जाता है। ये तो फ्लेंज वाला पार्ट क्या करेगा, ये तो बेंड करेगा, बेंड बेंड ये इसमें जो होता है ये कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा बहुत ज़्यादा। तो टेंशन जब इस वाले पोर्शन में टेंशन, इसमें क्या होगा कंप्रेशन, तो हमारा जो वेव वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो सीयर सीयर फोर्स इन द गर्डर एट एनी सेक्शन इज टेकन अप बाई इस वेब वेब लेता है। और अगर हम बेंडिंग की केस की बात करें, बेंडिंग कौन सा पार्ट लेता है, बेंडिंग रेजिस्टेंस कौन करता है, वो जो करेगा वो फ्लेंज करेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे बने, तो अब आप लोग देखो फटा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें थोड़ा स्पीड से चलना है, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इन प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट इन प्लेट गर्डर बेंडिंग मोमेंट जो रजिस्ट किया जाता है वो फ्लेंज प्लेट्स ओनली, फ्लेंज जो होता है उसके द्वारा ही रजिस्ट किया जाता है, ये फ्लेंज के द्वारा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि लोड सारा कौन किसके ऊपर आता है, इसी फ्लेंज पे आता है। फिर ट्रांसफर किस पे होता है, वेब पे होता है, ठीक है, पूरे वेब पे ट्रांसफर होता रहता है। वेब को हम बकलिंग और उससे बचाने के लिए वहाँ पर हमको स्टिफनर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्टिकल प्लेट ऑफ ए प्लेट गर्डर इज कॉल्ड, वर्टिकल प्लेट जो होती है प्लेट गर्डर की, इस वाली प्लेट की बात कर रहा है जो लंबा हमने देख, ये जो इस प्लेट की बात कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये फ्लैंज है हमारा, ये क्या है वेब है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। वर्टिकल प्लेट ऑफ प्लेट गर्डर इज कॉल्ड वेब प्लेट। हम चलते हैं, प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर हम क्यों लगाते हैं, प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर हमको क्यों लगाते हैं, फ्लेंज के नमन असफलता को दूर करने के लिए या वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए। सही है, फ्लेंज के नमन असफलता तो नहीं करते हैं, वेब को मजबूती देने के लिए। सही है, संभावित भारों के नीचे नीचे समवितरित भारों के नीचे, नहीं गलत है। तो हमारा जो कौन सा सही, वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए जो हम बियरिंग स्टिफनर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग स्टिफनर हम जो है सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग स्टिफनर जो है सपोर्ट जहाँ है वहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वेब को, एक तो वेब की बकलिंग ना हो जाए वहाँ पे, और एक वेब को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, वेब को मजबूत बनाने के लिए हम जो है सपोर्ट पर बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विद स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ द क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ वेब ग्रेटर देन क्लियर डेप्थ डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू। अब क्लियर डेप्थ क्या होती है देखते हैं, क्लियर डेप्थ ये वाली डेप्थ की बात कर रहा है डेप्थ, और ये जो होता है हमारा थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब इज ग्रेटर देन। प्लेट गर्डर की स्टिफनेस का प्रयोग, स्टिफनेस हम कब यूज करेंगे, अगर डेप्थ अपॉन टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 85 से होगा तब हम स्टिफनर यूज करेंगे, अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू लेस देन 85 होगा तब हम स्टिफनर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको दो फार्मूले याद करने हैं। हम तो हमारा कौन सा है, डी डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकल वर्ड गर्डर रिफर टू, गर्डर क्या है, गर्डर क्या है, आई सेक्शन सी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्डर ही बोलते हैं। क्यों गर्डर बोलते हैं, क्योंकि इसका सेक्शन जो है बहुत बड़ा होता है, इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, जितनी हमें लेंथ में चाहिए उतना हम यूज कर सकते हैं। जैसे गर्डर का जो होता है ग्रेटर देन, अगर 20 मीटर हम आई आई सेक्शन यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेट गर्डर को नाम से जानते हैं, ठीक है, प्लेट गर्डर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो हमारा क्या होगा, आई बीम्स इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लेट
प्लेट गर्डर से कम हम जो यूज़ करेंगे उसको हम आई सेक्शन ही कहेंगे, ठीक है। प्लेट गर्डर से आई सेक्शन क्या है, आई सेक्शन आई बीम जो है वो प्लेट गर्डर ही तो है, प्लेट गर्डर के फॉर्म में होता है, लेकिन ये बना बनाया नहीं होता, इसको हमें बनाना पड़ता है शॉप में, ठीक है। जितना हमें हमें इसमें क्या होती है, उसकी वेब की लंबाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उसको अलग अलग जितनी थिकनेस चाहिए या जितनी भी जिस जिस जैसा भी चाहिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम बना लेते हैं। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर लोकल वर्ड गर्डर रिफर टू आई बी एम सी है, ग्रेटर देन 20 मीटर अगर होगा तो हम उसको प्लेट गर्डर कंसीडर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट्स यूज इन द टॉप एंड बॉटम ऑफ प्लेट गर्डर आर कॉल्ड, स्टिफनर्स बोलेंगे, कवर प्लेट बोलेंगे, या इंड स्टिफनर, या कवर प्लेट, या वेब प्लेट, ये जो है हमारा। ठीक है, ये हमारा आई बीम है, इसके ऊपर जब हम इसका हम प्लेट गर्डर के शीर्ष तलों पर, यहाँ पे अगर हम एक प्लेट की प्लेट प्लेट यूज कर लें, प्लेट इसमें हम अटैच कर दें बाय यूजिंग बोल्टिंग या कुछ के द्वारा इधर भी अटैच कर दें, तो इससे क्या होगा, क्यों अटैच करते हैं, तो इसको हम कवर प्लेट बोलते हैं, कवर प्लेट, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं हम अगर हमको पता चल गया कि इसका क्या है, इसका जो है स्ट्रेंथ बहुत कम है, स्ट्रेंथ लोड लेने की क्षमता क्या है बहुत कम है, तो हम इसमें इसको कवर ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा देते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको हम क्या जानते हैं, कवर प्लेट्स के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टिफनर, आप लोगों को पता होगा हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। इंड स्टिफनर अभी हम बताते हैं, इंड स्टिफनर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। बियरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड, बियरिंग स्टिफनर हमने बताया था वो सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज़ द राइट आंसर। हॉरिजेंटल स्टिफनर आर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ़ द थिकनेस ऑफ द वेब इज लेस देन, हॉरिजेंटल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब डेप्थ अपान 200 से कम होगी, अगर डेप्थ कम है। हॉरिजेंटल स्टिफनर नीडेड इन प्लेट गर्डर इफ़ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन, जो थिकनेस है वेब की अगर थिकनेस है डेप्थ ऑफ द डी डेप्थ अपॉन 200, जो जो हमारी डेप्थ है ये वाली, ये इस वाली डेप्थ से अगर, ये मान लीजिए ये आई बीम है, छोटा बना दिया, ये वाली डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है, अगर इस डेप्थ से लेके अपॉन 200 से अगर कम आ रही है वेब की थिकनेस, तब हमें क्या है हॉरिजेंटल स्टिफनर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बी होगा डेप्थ अपॉन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यूजुअली ए प्लेट गर्डर इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हम कब प्लेट गर्डर को हम इकोनॉमिकल कब कहेंगे, जब उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम वेट होना चाहिए, मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए, मिनिमम डेप्थ होना चाहिए, वेब थिकनेस, वेब मोटाई, मिनिमम वेट होना चाहिए, ये लोग आपको आप लोग क्या करें क्वेश्चन को याद करनी, मिनिमम वेट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये है इकोनॉमिकल सेक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिकल से मिनिमम वेट होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो कॉस्ट, वेट कम रहेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि स्टील की जो हम कैसे उसको हम लेते हैं मार्केट वगैरह में, उसको हम खरीदते हैं किसके भाई, वेट के जरिए बिकती हैं, ठीक है, अगर वेट कम रहेगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, तो इसलिए इकोनॉमिकल माना जाता है बाई वेट के द्वारा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर में हम इंटरमीडिएट जो हम प्लेट गर्डर में मध्य ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी क्यों प्रयोग की, ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेंट्रेट लोड विदाउट एनी लोकल स्ट्रेस, इलिमिनेटिंग वेब बकलिंग, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मिड स्पैन डिफ्लेक्शन, या इलिमिनेटिंग लोकल लोकल बकलिंग, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन,
इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा कोई आई सेक्शंस है, ठीक है, ये भी इधर मान लीजिए कोई आई सेक्शंस है, क्योंकि इलिमिनेट करने के लिए किसके इलिमिनेटिंग्स वेब वेब हमारा बकल ना कर जाए, ठीक है, वेब बकलिंग को रोकने के लिए हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर ऐसे करके हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर मान लीजिए कहीं बीच में अगर सेंटर पे लोड क्या हो गया, लोड की लोड जो है बहुत ज़्यादा आ गया, पॉइंट लोड वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, बकलिंग के होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हम इंटरमीडिएट स्टिफनर का भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब जब दो स्टिफनर के भी जब जो है जब डेप्थ अपान 200 से ज़्यादा होगी तभी हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इलिमिनेटिंग वेब बकलिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिफनर इज यूज टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटिंग लोड, लोड कैरिंग भार ले जाने वाला, या फिर बियरिंग धारण करने वाला, या डायगोनल या टॉर्जनल, कौन सा होगा इसमें। वेब लोकल क्रशिंग को बचाने के लिए वेब को जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होता है वेब पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड जहाँ पर वेब पे बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड बात कर लीजिए, पॉइंट लोड जहाँ पे ज़्यादा आता है वहाँ पे हम वेब को क्रशिंग या बकलिंग होने से बचाने के लिए हम बियरिंग स्टिफनर्स का रोकने के लिए लगाया जाता है, बियरिंग धारक जिसे हम बोलते हैं, बियरिंग स्टिफनर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिफनर इज टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब, क्रशिंग से बचाने क्रशिंग ऑफ द वेब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है, ठीक है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वहाँ पे हम क्रशिंग से बचाने के लिए बियरिंग स्टिफनर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर यूज प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ द वेब, प्रिवेंट लोकल बकलिंग इन द फ्लैंज, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर जो हम यूज करते हैं प्रिवेंट किसके लिए, प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ वेब, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं, द गर्डर हैविंग टू और मोर देन टू वेब्स आर कॉल्ड आलकार, प्लेट गर्डर जो होता है सिंपली क्या होता है, वो प्लेट गर्डर जो होता है हमारा वो सिंपली आई सेक्शन से होता है, अगर टू वेब्स हैं प्लेट गर्डर में तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे टू वेब की बात करें, एक हमारा प्लेट गर्डर ये हो गया, एक मिनट, नीचे फिगर है, मैं आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये हमारा टू वेव्स हो गए, ठीक है। अब इसको हमने किसी एंगल के जरिए क्या किया है, किसी एंगल के द्वारा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ऐसे हमने इधर भी एंगल लगाया, ऐसे हमने इधर भी क्या किया, एंगल लगाया, इधर भी एंगल लगाया, इधर भी एंगल सेक्शन हमने लगाया, ठीक है। फिर हमने इस एंगल सेक्शन को हम क्या करते हैं, स्प्लाइस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को हम बोलते हैं बॉक्स ग्रेडर बोलते हैं, बॉक्स ग्रेडर
के नाम से जानते हैं। और प्लेट ग्रेजर जो होता है सिंपली वो कौन सा होता है, सेक्शंस होता है, वो आई सेक्शंस होता है, ठीक है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका, द ग्रेडर हैविंग टू टू और मोर वेव आर कॉल्ड बॉक्स ग्रेडर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन जनरल द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज केप्ट, डेप्थ जो होती है डेप्थ जो हम लेते हैं प्लेट गर्डर की, हम कितना कितना लेके चलते हैं। तो जनरली जो हम डेप्थ लेते हैं वो जनरली डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है, हम जो प्लेट गर्डर की डेप्थ लेते हैं 1/10 टू 1/12 तक लेके चलते हैं। इसकी किसका होता है, स्पैन से लेके वो स्पैन का 1/10 टू 1/12 हम लेते हैं, ठीक है। तो डेप्थ निकालने का एक फार्मूला भी है, ये जो होता है हमारे पास 1.1 रूट एम, इस पे मोमेंट कितना लग रहा है, या फिर सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इंटू टी डब्ल्यू थिकनेस वेव, ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ए इंटू स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी स्पैन की डेप्थ, स्पैन जितना होगा उसके हिसाब से हम लेते हैं 1/10 इंटू 1/12। एंड आउट ऑफ प्लेन वेब डिस्टॉर्सन इज नोन एज, प्लेन वेब का डिस्टॉर्सन हम क्या, वेब बकलिंग हो गई, वर्टिकल वेब बकलिंग, या फिर हो गया कॉलम बकलिंग, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा ऑप्शंस होंगे कौन सा, इसका जो हमारा वेब बकलिंग भी हो सकती है, वर्टिकल वेब बकलिंग, डिस्टॉर्सन कैसे भी हो सकता है वेब का, या तो वेब हमारा ऐसे का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या वेब हमारा कुछ ऐसे करके बकल कर जाएगा, या वहीं पे क्रश कर जाएगा, ठीक है, वहीं पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या इसके थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है हमारे सही होंगे, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वे क्या है, एंड आउट ऑफ प्लेन वेब डिस्टॉर्सन, प्लेन डिस्टॉर्सन के भी पूरा विरूपण को कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डी होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स का लेंथ कितनी होती है, स्टिफनर का हम यूज क्यों करते हैं, स्टिफनर का यूज जो हम करते हैं द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ बियरिंग स्टिफनर, जो हम प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर यूज करते हैं उसका रेशियो क्या होना चाहिए, उसका रेशियो जो होता है 0.7 होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर डी इसका कौन सा आंसर सही है, डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरली इन रोल्ड स्टील बीम्स शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्टर्ड बाई, रोल्ड स्टील बीम्स में जो होता है शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कौन रजिस्ट करता है, वेब के द्वारा ही रजिस्ट किया जाता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर, ए वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कॉन्सिस्ट ऑफ टू फ्लैंज प्लेट्स ऑफ 350 इंटू 16 mm एंड वेब प्लेट ऑफ 1000 mm इंटू 6 mm रिक्वायर, ठीक है। वेल्डेड स्टील प्लेट है गर्डर कॉन्सिस्ट ऑफ टू, उसके लिए हमें 300 mm इंटू 16 mm के दो फ्लैंज प्लेटों और 1000 mm के 6 mm के वेब प्लेट से एक वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर बनाने के लिए गर्डर बनाना है उसके लिए कितनी स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो स्टिफनर की रिक्वायरमेंट के लिए दो फार्मूला है, एक तो क्या फार्मूला है, एक तो डेप्थ अपान टी डब्ल्यू, ठीक है, वेब की जो लेंथ होती है, या वेब की जो आप कह सकते हैं डेप्थ जो होती है वो, ये क्या है डेप्थ ऑफ वेब या और थिकनेस ऑफ वेब, अगर ये लेस देन क्या है, लेस देन 85 है तो नो स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 85 है तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डी 85 और 85 और डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 200 के बीच में है तो जो है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस क्या है हमारे पास,
डी कितना है 1000, 1000 डी डब्ल्यू डी अपॉन टी डब्ल्यू, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब कितनी है, थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास है जो है 6 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब कितना है 6 mm, ये है वेब की डेप्थ और ये थिकनेस ऑफ वेब, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, ये 166 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है 85 और 200 के बीच में है। तो अब क्या होगा, हमें कौन सा स्टिफनर यूज करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर हम यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्पज ऑफ स्टिफनर इन प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर में स्टिफनर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनर का प्रोवाइड करते हैं वेब को बकलिंग करने के लिए, वेब को हम शियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, अगेंस्ट बेंड ना हो जाए, अगेंस्ट क्रशिंग्स को रोकने के लिए, तो प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, ठीक है। तो हमारा आज के ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लेट प्लेट गर्डर के। आप लोग एक दो बार क्वेश्चंस को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके, थैंक्स।